स्टूडेंट आई एम विश्वनाथ फ्रॉम सीसीएस एकेडमी। टुडे आज हम लेक्चर नंबर 5 जो कि जनरल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे अकाउंट्स लेते हैं क्लास 11th में या फिर 12th में पढ़ते हुए या बीकॉम करते हैं या एमकॉम करते हैं या सीए करते हैं या सीएस करते हैं या वो लॉ में जाते हैं, जनरल ये ऐसा चैप्टर है, इसके बिना हम अकाउंट की कल्पना नहीं कर सकते। इट्स अ बेस ऑफ अकाउंट्स। जिन स्टूडेंट को अगर जनरल की नॉलेज नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जनरल का नॉलेज होना मस्ट है। हम इसको बड़ा ही सिंपल फॉर्म में इसको बताते हैं, आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आप इससे इस टॉपिक पर क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जब तक आदमी को जनरल क्लियर नहीं होता, जिस भी स्टूडेंट को अगर वो जनरल नहीं आता वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल होता क्या है? जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि डेली ट्रांजेक्शन, जो एक ट्रेडर होता है, ट्रेडर मतलब व्यापारी, जो ट्रेडर जितनी भी दिन भर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, सौदा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग वाउचर एक वर्ड यूज़ करते हैं, वाउचर। वाउचर क्या होता है? जैसे आपको एक कमोडिटी मार्केट में आप लेने जाते हो तो आपको एक कैश रिसिप्ट मिलती है ना, उसको वाउचर बोलते हैं। तो अकाउंट में जो एक व्यापारी होता है वो डेली ट्रांजेक्शन को जहाँ रिकॉर्ड करता है, ठीक है, रिकॉर्ड करने का भी हम लोग बताएंगे कि कैसे रिकॉर्ड करना है। तो डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन विच बुक, इट्स नोन एज जर्नल। तो जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम जर्नल बोलते हैं। तो जर्नल, ये जो जर्नल वर्ड है ये जॉर्ज से क्रिएट हुआ है, ठीक है। और जॉर्ज जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है, और जॉर्ज का मतलब क्या होता है? डेली बुक। ये क्वेश्चन BHU में 2 बार पूछा गया है, कई बार आया है कि जॉर कहाँ की लैंग्वेज है और जॉर इज़ द मीन ऑफ जॉर, ठीक है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, बड़ा ही सिंपल तरीका है कि एक व्यापारी होता है वो दिन भर की मतलब डेली ट्रांजेक्शन को जहाँ वो रिकॉर्ड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। तो अब जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हमें नॉलेज ऑफ अकाउंट्स का होना मस्ट है कि तो अगर जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैसे, अगर आप टैली सीखते हैं तो उसमें जो जनरल में एंट्री करते हैं कंप्यूटर में तो उस वही है, बस मैनुअल है ये। तो जनरल में एंट्री करने से पहले सबसे पहले हमको अकाउंट का नॉलेज मस्ट है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस। तो हम अकाउंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। BHU में पूछे जाते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट 3 बोल देते हैं, लेकिन अगर डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कोई पूछता है तब 3 बोलते हैं। ऐसे अकाउंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। अब नाम से ही लग रहा है, आपको रट्टा नहीं मारना है, पर्सनल, पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ पर्सनल अकाउंट? हाँ, और इम्पर्सनल अकाउंट को भी 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, हम आगे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज़ द मीन ऑफ पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे हमने लिखा है विच अकाउंट इज़ रिलेटेड टू एनी पर्सन, एनी इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल एंड रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर पर्सन, इट्स कॉल्ड ए पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे हर चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ, विच अकाउंट इज रिलेटेड टू एनी पर्सन, यहाँ पे जो अकाउंट किसी पर्सन, पर्सन पर्सन का मतलब क्या होता है? जैसे राहुल, सोहन, मोहन, तो जो अकाउंट किसी पर्सन से बिलोंग करता हो या किसी इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट का मतलब स्कूल, हॉस्पिटल या फिर बैंक्स, वैंक्स जो भी होते हैं वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उससे बिलोंग करता हो, या रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर कभी कभी प्रिंसिपल सर नहीं रहते तो उनके जगह पे वाइस प्रिंसिपल पोस्ट को देखते हैं, तो वाइस प्रिंसिपल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसी को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हॉस्पिटल और स्कूल ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो सर कैसे पर्सनल अकाउंट में इसको इंडिकेट कर रहे हैं? लॉ कहता है, हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनी या इंस्टीट्यूशन इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो भी मतलब कि इंस्टीट्यूशन होते हैं वो पर्सन माने जाते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन माने जाते हैं। तो
पर्सनल अकाउंट किसे बोलेंगे? वो खाता जो किसी पर्सन, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी का रिप्रेजेंटेशन करे तो उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सोहन से अकाउंट, राम से अकाउंट, CCS, प्रीपेड एक्सेट्रा, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। नेचुरल पर्सन, नाम से ही लग रहा है कि जिसको गॉड ने क्रिएट किया, जैसे हम हो गए, आप हो गए, सोहन, मोहन, सीता, ये सब गॉड ने क्रिएट किया, इस सबको नेचुरल पर्सन बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, अभी हम लोगों ने बोला कि जो कि पर्सन तो नहीं होता लेकिन उसको हम लॉ के अकॉर्डिंग पर्सन इंडिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक्स, ये हमारे क्या हो गए? आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड हमारी हो गई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव, इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब ये क्या होता है, जैसे कि मोहन आप किसी शॉप में काम करता है, उसने 4 महीने वर्क किया लेकिन उसको 2 महीने की आपने सैलरी दी, 2 महीने की सैलरी उसको आपने नहीं दी, उसके तरफ से कोई अगर तो उस कोई पैसा लेने आ रहा है तो जो बकाया है उसी को हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। वो तो आप किसी पर्सन को ही दोगे, इसीलिए आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पर्सनल अकाउंट। यहाँ नाम से लग रहा है, रट्टा नहीं मारो, इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन ना हो। तो विच अकाउंट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन, इट्स कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। जो अकाउंट किसी पर्सन को बिलोंग ना करता हो उसको हम बोलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। बहुत सारे होते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, तो ये सब क्या हो गई? इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? बहुत से लोग सोचेंगे रियल का मतलब जो दिखता हो, ऐसा कुछ नहीं। विच अकाउंट इज रिलेटेड टू एनी एसेट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। जो खाता किसी संपत्ति से बिलोंग करता हो उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। अगर आप ऐसे समझ लो, जैसे कि आप जो एक जो ड्रेस पहने हो वो भी आपने अपने आपके पैसे से आपने परचेस किया, इसका मतलब वो क्या है? आपकी एसेट्स है। एसेट्स का आप एक कलम खरीदते हो वो भी आपकी क्या है? फ्री में तो आपको मिलता नहीं है, वो भी आपकी एसेट्स है। तो जो भी अकाउंट किसी एसेट्स को इंडिकेट करता हो, रिलेटेड करता हो, एसेट से रिलेटेड होता है, उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मशीन, बिल्डिंग, मोटर कार। अब कोई बोलेगा सर कैश क्या है? कैश आपकी एसेट्स है, तो वो भी रियल अकाउंट में ही इंडिकेट करेंगे। अब कोई कहता है सर मेरी बाइक, बाइक आपकी एसेट्स है क्योंकि आपने उसको पैसे से परचेस किया, तो वो भी आपकी क्या है? एसेट्स है। फिर थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। अब जब अकाउंट जिन्होंने बनाया, पर्सन को तो पर्सन में दिखा दिया, एसेट्स को एसेट्स में दिखा दिया, अब दिक्कत आ गई उसके बाद क्या कि खर्चे को, प्रॉफिट को या गेन को हम या लॉस को कहाँ इंडिकेट करें? तो उसको उसके लिए हम लोगों ने मतलब अकाउंट्स में थर्ड अकाउंट बनाया गया, वो है नॉमिनल अकाउंट। तो विच अकाउंट इज रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस ऑब्लिक लॉस, जो भी अकाउंट लॉस या एक्सपेंस और गेन या प्रॉफिट को बिलोंग करता है उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। एक्सपेंस किसे कहेंगे आप? जैसे आप रेंट दे रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंस है, सैलरी दे रहे हैं किसी को वो भी आपके लिए एक्सपेंस है। आपने 50,000 की कोई मोटर बाइक आपने 40,000 में बेच दिया तो 10,000 का लॉस हो गया, वो भी नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गेन किसे बोलेंगे? कमीशन मिला, ये भी आपकी गेन है, ठीक है। प्रॉफिट हो सकता है आप, ठीक है। ये सब जो भी होते हैं इनको हम नॉमिनल अकाउंट में इंडिकेट करते हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछोगे हमसे। थैंक यू।